नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। रीवा के कोतवाली थाना क्षेत्र में आज अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बच्चियों का आरोप था कि पिता हर रोज नशे की हालत में घर आकर बच्चियों के साथ अभद्र तरीके से व्यवहार करता है। हद तो तब हो गई जब आज नशेड़ी पिता ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इसकी जानकारी बच्चियों ने आस पड़ोस को दी। पड़ोसियों ने तुरंत ही डायल 100 को पूरे मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर मामले की जांच करते हुए 376 का मामला पंजीबद्ध कर लिया। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रथहरा के समीप एक नशेड़ी पिता अपने दो बच्चियों के साथ रहता था। बीते कुछ दिन पहले उसकी पत्नी की मृत्यु किसी कारणवश हो गई थी, जिसके बाद पिता अपनी दोनों बच्चियों के साथ मजदूरी कर जीवन यापन करता था, जिसमें एक बच्ची 13 साल और दूसरी बच्ची 18 साल की बताई जा रही है। बच्चियों का आरोप था कि पिता नशे की हालत में हर शाम को घर आता है और उनके साथ अभद्र तरीके से व्यवहार करता था। हद तो तब हो गई है जब नशेड़ी पिता नशे की हालत में घर पहुंचा और छोटी बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसके बाद बच्चियों ने इसकी जानकारी अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को बताई, जिसके बाद 100 डायल नंबर को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले पर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने बताया कि नशेड़ी पिता हर रोज अपनी बच्चियों को परेशान करता था। जब उसने आज छेड़छाड़ कर दुष्कर्म करने की कोशिश की तो बच्चियों के द्वारा पड़ोसियों को बताया गया। पड़ोसियों ने तुरंत ही इसकी जानकारी डायल 100 को दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी पिता के खिलाफ 376 का मामला पंजीबद्ध कर मामले की जांच की जा रही है। ये 100 डायल के माध्यम से पुलिस को खबर मिली थी। पुलिस कोतवाली पुलिस में जानकारी लगी, ये रतहरा के पास में एक परिवार रहता था, जिसमें एक पिता जिसके एक पैर से अपाहिज है और उसकी दो बच्चियां थी, एक 17 साल के आसपास, एक 13 साल की। उनकी माँ नहीं रहे, माँ एक्सपायर हो चुकी है। उन बच्चियों में से एक बच्ची ने शिकायत की कि मेरा पिता मारपीट करता है और छोटी बहन के साथ उसने बदमाशी की है। यानी जिस तरह की घटना थी, बड़ी सेंसिटिव थी। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करने का प्रयास किया, ग्रामीणों की वहाँ मदद ली गई। और बच्ची बता रहा है कि बच्ची जब ये हरकतें करने की कोशिश कर रहा था, पहले भी किए हैं उसने हरकतें, हरकत करने की कोशिश कर रहा था, बच्ची ने भाग के फिर पड़ोसियों को जब बताया तो पड़ोसियों ने फिर इसको पुलिस के संज्ञान में लाया मामला। पुलिस ने जाके बच्चों से पूछताछ की, बच्चों से पूछताछ के बाद ये निकल के आया कि वो जो पिता है बहुत नशे की हालत में रहता था और लगातार उन बच्चियों को परेशान और मारपीट करता रहता था और बच्ची के साथ में हरकत भी करता था। उसी कारण से पुलिस ने उसके खिलाफ उस बच्ची के साथ में गलत हरकत का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और मामले को विवेचना में ले लिया है। आरोपी को भी पुलिस ने अभी अभिरक्षा में लिया था, लेकिन बच्चे बता रहे हैं कि जब लोग उसको ला रहे थे पुलिस के साथ में, तो उसने कुछ खाया हुआ है, तो उसको अभी अस्पताल भेज दिया है। वो कुछ उल्टी उल्टी कर रहा था, उसके इलाज के तौर पे उसका स्वास्थ्य वगैरह ना बिगड़े इसको ध्यान में रखते हुए, तो अभी बच्चियाँ थाने पर ही हैं, रिपोर्ट लिखा रही हैं और उसका जो पिता है उसको अस्पताल भेज दिया गया है। 376 का मामला पुलिस ने पंजीबद्ध कर लिया, विवेचना में ले लिया गया। क्या दोनों बच्चियों के साथ हरकत करता था? अभी इस संबंध में बच्चियों से पूछताछ कर रही है महिला अधिकारी हमारी, लेकिन जानकारी मिली है कि एक बच्ची के साथ उसने हरकत की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए निरंतर बने रहें गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। यूट्यूब में हमारे चैनल गुड मॉर्निंग टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। IAS MPPSC व्यापम सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विंध्य क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कोठारी इंस्टीट्यूट रीवा, जिसने बनाया है 3000 से अधिक चयन का कीर्तिमान। यहां आपको मिलेगा चयनित प्रशासकों द्वारा अध्यापन, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए विशेष सुविधा, हर रविवार टेस्ट और फ्री डेमो क्लास। कोठारी इंस्टीट्यूट, अमहा हाउस, सिविल लाइंस, बोदाबाग रोड, रीवा। मोबाइल नंबर 9329249957। कोठारी इंस्टीट्यूट रीवा, जहां परिणाम बोलते हैं।